कहीं आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि आप बहुत तेज गुस्सा करते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन फील होता है आपको, लेकिन आप उस समय कुछ कर नहीं पाते क्योंकि आपका उससे कैरियर होता है जुड़ा हुआ, आपका उससे घर चलता है, आपका उससे कई सारी चीज़ें ज़रूरतें होती हैं जो बिना उस काम को किए नहीं हो सकते। वो आपका जॉब हो सकता है, वो आपका बिजनेस हो सकता है। तो वहाँ पर कई बार क्या मनमुटाव हो जाता है, किसी छोटी छोटी बातों को लेकर हम बहस कर के उस पोजीशन में चले जाते हैं, तो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि आप अपनी तरफ से पूरा मेहनत किए हो लेकिन फिर भी सामने वाला सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, सामने वाला आपको प्रेज नहीं कर रहा है, आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है जो भी आपने मेहनत किया उसका। आपको अंदर से बहुत खुन्नस फील होता होगा कि ये मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलता, सारा क्रेडिट वो लीड, वो सीनियर, उन लोग लेकर चले जाते हैं। तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं बस सुना दूं उन्हें, लेकिन आप मन ही मन अपने आप को रोक लेते हैं, करेक्ट? तो कैसे ये हो पाता है कि आप रोक लेते हो, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है फैमिली चलाने की, अपने बहुत सारे लोगों के ऊपर, बहुत सारे लोगों से आपका कनेक्शन रहता है जिन्हें आप हेल्प करते हो, तो वो जिम्मेदारी आपको रोक लेती है वो गुस्सा करने से, वो गुस्सा दिखाने से। तो सेम चीज़ हमें अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में भी अप्लाई करना चाहिए, हमें लाइफ में देखना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें जो हम गुस्सा करते हैं ना छोटी छोटी बातों पर, अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, अपने रिलेटिव से, तो क्या वो करना सही है? क्या हम हर छोटी छोटी गुस्से को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते? तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हम उन लोग से अगर हम झगड़ा करेंगे तो रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, तो हम इसको कैसे रिकवर करेंगे? तो जहाँ पर हम ऑफिस में हम फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा पाते क्योंकि जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पर वो हमें समझना होगा। तो इस जिम्मेदारियों को कैसे से निभा पाएंगे, तो एक छोटा सा डिले बटन से। आप कहोगे ये डिले बटन क्या होता है? तो हम किसी भी काम को नज़रअंदाज ना करके अगर हम उसके सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें तो ये सॉल्व हो सकता है। तो अगर हम गुस्से को डिले करें, जैसे हम इम्पॉर्टेंट का आपको प्रोकास्टिनेट करते हैं, डिले करते हैं जो कि हमें जल्दी करना चाहिए, और जिस काम को हमें थोड़ा डिले करना चाहिए वहाँ पर हम जल्दी एक्शन ले लेते हैं, जैसे गुस्सा करना किसी के साथ, ये हमें तुरंत नहीं करना चाहिए, हमें इंस्टेंट किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, इसका इम्पैक्ट अभी नहीं पता चलेगा आपको, बाद में उसका इम्पैक्ट पता चलेगा। और कभी कभी तो लाइफ लॉन्ग लोग पछताते हैं कि मैंने गुस्से में उसके साथ मैंने ऐसा बोल दिया था, इसके वजह से मेरा बहुत दिक्कत होता है, मुझे मैं सो नहीं पाता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि मैंने उस वक्त क्यों ऐसा बोल दिया था अपने ऑफिस में या कहीं पर अपने बिजनेस में अपने पार्टनर को। तो उसका जो चिंता होता है आदमी को परेशान कर देता है। तो उस वक्त अगर हम ठंडे दिमाग से अगर हम सोच कर ब्रीथिंग करें, अच्छे से हम समझे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अगर उस वक्त स्टॉप कर लेते हैं अपने आप को, तो उस प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो इस पर एक छोटी सी कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो एक राजा होता है, तो राजा अपने एक चिड़िया के साथ हमेशा घूमता है, क्योंकि वो चिड़िया उसकी मनपसंद चिड़िया होती है, वो देखने में भी बहुत सुंदर, छोटी सी प्यारी सी चिड़िया होती है, और दोनों साथ में जंगल में शिकार पर निकलता है राजा, ठीक है। तो जब शिकार पर निकलता है तो थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को बहुत तेज प्यास लगती है, उनको पानी चाहिए होता है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं पानी खोजता है पर उनको कहीं मिलता नहीं है राजा को पानी। तो सामने देखता है कि एक पहाड़ है, पहाड़ में पतला सा जगह बना करके वहाँ से पानी बह रहा है नीचे की तरफ, तो वहाँ से मैं पानी को ले सकता हूँ एक, और फिर उस कटोरी को मैं ग्रहण करूँगा तो मेरा प्यास बुझ जाएगा। तो उसको लेता है कटोरी और वहाँ पर रख देता है, और धीरे धीरे पानी भरता है भरता है। फिर चिड़िया देखता है कुछ तो उसके दिमाग में चल रहा होता है, फिर देखा जैसे ही पानी जस्ट भरने ही वाला होता है चिड़िया जा करके उसको गिरा देता है। तो फिर राजा पॉजिटिव माइंडसेट वाला था, वो उस चिड़िया को पसंद करता था बहुत, तो फिर बोला कि हाँ गलती से शायद उसका पंख लग गया होगा, मैं फिर से लगा देता हूँ भरने के लिए। तो फिर क्या किया, उसने फिर लिया कटोरी और फिर भरने के लिए रख दिया वहाँ पर। तो भर रहा है धीरे धीरे, भर रहा है धीरे धीरे, भर रहा है, जैसे ही कटोरी भरने वाला होता है फिर चिड़िया आता है और उसको फेंक देता है। जैसे चिड़िया वो फेंक देता है कटोरी को, तो बहुत तेज उसको गुस्सा आता है क्योंकि वो प्यास से मरे जा रहा था राजा, और जस्ट भरने ही वाला होता है तभी फेंक देता है। तो गुस्से में क्या किया, उसने चिड़िया को पकड़ लिया और उसका गर्दन पूरा मरोड़ दिया, और वहीं पर ही वो चिड़िया ख़त्म हो गई। जैसे ही चिड़िया ख़त्म हुई वो थोड़ी दूर आगे गया, फिर देखा जहाँ से वो पानी बह करके नीचे आ रहा था वहाँ पर एक सांप था। तो सांप का विष भी उस पानी में मिल करके आ रहा था और उस कटोरी में भर रहा था। तो वो सोच करके वो परेशान हो गया, अरे ये तो मेरी जान बचा रहा था और मैंने इसी को मार दिया बिना सोचे समझे।
तो वो राजा जिंदगी भर पछताता रहा कि मैं, वो मेरी जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था और मैं उसे ही मार दिया था। वो जिंदगी भर वो पछतावा, वो गिल्ट फीलिंग उस राजा के अंदर हमेशा रह गया और इसी पे ही वो अपना लाइफ बिता दिया, इस गिल्ट फीलिंग के साथ। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी इंस्टेंटली गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें पहले समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर गुस्से वाला सिचुएशन भी हो जाता है तो हमें पहले उस वक्त शांत हो जाना चाहिए, ठंडा दिमाग रखना चाहिए। आप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप 1 to 10 काउंट कर सकते हो, कुछ भी करो, आप उस वक्त अपने आप को शांत कर लो और फिर अगले दिन या थोड़े टाइम बाद जब गुस्सा शांत हो जाए तब आप सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो कि जो हुआ था क्या वो होना सही था। तो अगर आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो कि क्यों ऐसा आपको लग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रॉब्लम थी, वो डिस्कस करके आप वो सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप गुस्से में कुछ भी बोल लोगे ना तो उसका इम्पैक्ट कभी कभी लाइफ टाइम तक रहता है और आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये स्टोरी के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था कि कितना इम्पोर्टेंस है डिले बटन का यूज़ करना, क्योंकि गुस्सा कभी कभी इंस्टेंटली अगर आप करते हो तो वो आपके लाइफ को डैमेज भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो ये फियर, ग्रीड एंड एंगर, इन तीन चीज़ों पर कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुस्सा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मुझे अच्छा फील होगा। देन मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक अगले स्टोरी के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप इंस्पायरिंग पीपल।